ट्रेन है बोधली टू जो सीहोर की, जो मालवा एक्सप्रेस है उसमें भी। और यहाँ से अगर आप सीधे चले जाते हैं तो ये उज्जैन की तरफ जाते हैं, और इस साइड जाते हैं तो भोपाल और सीहोर की तरफ। और गेंदे के फूल की खेती खूब है, वो पीछे पीछे दिख रहा होगा वो येलो येलो सब गेंदे के फूल हैं, पीछे तो बहुत ज़्यादा आए थे तो चलिए फिर चलते हैं बाहर की तरफ और चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन में। हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन, फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो गई एक नए ब्लॉग के साथ। और आज मैं जाने वाला हूँ एक और अपने ट्रैवल ब्लॉग के लिए। जब मैं कहाँ जा रहा हूँ तो मैं जा रहा हूँ इस बारी एमपी की तरफ जाना है, मुझे जाना है एमपी सीहोर। वहाँ पे कुछ जो अपना वो है रुद्राक्ष मिलता है, मैं वो लेने जा रहा हूँ अपने लिए, रुद्राक्ष लेने मैंने जाना है। और वहीं से फिर मैं आगे के भी जो है अपना एमपी और भी पूरा जो है ज्योतिर्लिंग वहाँ भी जाऊँगा। तो रही बात तैयारी की, तो तैयारी सारी हो चुकी है, टिकट वगैरह बुक मैंने करवा ली है, सीहोर तक की मैंने टिकट बुक कराई है। पहले भी मैंने टिकट बुक कराई थी वो कैंसिल हो गई, बट फिर दोबारा मैंने एक टिकट दोबारा की 2 वीक बाद कराई थी। मैंने कहा चलो अब नंबर आ जाएगा, तो अब जाके आज उसका नंबर आ गया है। तो आज शाम की अपनी ट्रेन है और शाम को अपनी नई दिल्ली से ट्रेन है, और दिल्ली टू जो सीहोर की जो मालवा एक्सप्रेस है उसमें मैं जाने वाला हूँ। और ट्रेन का टाइमिंग रहने वाला है 8:30 बजे के करीब करीब। तो रही बात पैकिंग की, तो ज़्यादा सामान अपने को लेके नहीं जाना है, थोड़ा बहुत ही अपना पिट्ठू वगैरह लेके जाऊंगा, तो बस उसी को पैकिंग वगैरह करते हैं और फिर चलते हैं सीहोर कुंभकेश्वर महाराज के दर्शन करने, और लेके आते हैं अपने लिए एक रुद्राक्ष। तो चलिए फिर मिलते हैं स्टेशन पे। लगभग 12 घंटे की अपनी जर्नी कंप्लीट हो चुकी है, बट अभी भी मंजिल तक पहुंचे नहीं है। अभी मेरे ख्याल 1 घंटा और लग जाएगा। और यहाँ सारी जो अपनी गेंदे के फूल की खेती खूब है, वो पीछे पीछे दिख रहा होगा वो येलो येलो सब गेंदे के फूल हैं, पीछे तो बहुत ज़्यादा आए थे जब मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कर रहा था। और गेंदे का फूल काफ़ी लगाया जाता है इस कमर में यहाँ पे। अब एक्चुअली गेंदा है कि क्या है, पास जाके पास से तो नहीं दिख रहा है, बट जितना लग रहा है दूर से वो गेंदा ही लग रहा है मुझे। और इस टाइम मैं पहुंच चुका हूँ सीहोर स्टेशन पे उतरे हैं, और अब मैं जा रहा हूँ कुंभकेश्वर महाराज के यहाँ रुद्राक्ष लेने। तो दिल्ली टू सीहोर की अगर यात्रा करना चाहते हैं कुंभकेश्वर महाराज के, तो ये जा रही है अपनी ट्रेन, बाय बाय, 4 घंटे लेट करा दिया इसने। चलिए अब चलते हैं बाहर की तरफ। बाहर निकलने के साथ ही आपको ऑटोज वगैरह मिल जाते हैं कुंभकेश्वर महाराज के धाम के। कुछ 50 बोल रहे हैं, कुछ 40 बोल रहे हैं, कुछ 30 बोल रहे हैं अपने अपने हिसाब से। एक बार मैं दिखा देता हूँ, ये है सीहोर स्टेशन। कितना? तो यहाँ ले लिया मैंने अपना ऑटो, 30 रुपये सवारी बता रहा है। ठीक है चलो, ये है पूरा अपना स्टेशन। और सब की सब ये भीड़ जा रही है कुंभकेश्वर महाराज के धाम के लिए, कोई भी इंदौर के लिए सब नहीं जा रहा है आज, सब वहीं जा रहे हैं। तो कितनी भीड़ है देख लो, वहाँ जाके कितनी मिलने वाली वो देखता हूँ अभी। और जस्ट बाहर निकलते के साथ ही ये सामने स्टेशन से बाहर निकले हैं, और आपको यहाँ पे ऑटो वगैरह मिल जाते हैं ईजिली, कुछ अलग अलग रेट के हिसाब से वो आप करा सकते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। 50 से स्टार्ट हुई थी, 30 पे अटे आ गए हैं, 20-20 भी होते हैं, पर चलो कोई नहीं, 30 ही ठीक है। और इस टाइम मैं उतर चुका हूँ, और ये सारे पूरी मार्केट बन चुकी है। यहाँ लोग बता रहे कि यहाँ पे पहले जंगल हुआ करता था, आप देखो क्या मार्केट खुल गई है। और ये है सामने मेरे ख्याल से, बाकी चलते हैं अंदर फिर दिखाता हूँ मैं आपको। तो श्री शिवाय नमस्ते ध्यम। और ये ऊपर ये सारी मार्केट खुल चुकी है यहाँ देखो, पहले देखते हैं क्या हिसाब किताब है यहाँ का, फिर आपको दिखाता हूँ। नहाने धोने का भी देखते हैं। तो ये चल रही है अब मैं अंदर की तरफ, और ये जय हो कर लेते हैं भरी जय श्री शिवाय नमस्ते ध्यम। काला आ रहा होगा क्योंकि धूप बहुत तेज है। और इस टाइम मैं आ चुका हूँ अंदर की तरफ, और ये देखिए ये है सारा वो एरिया जो हम टीवी में देखते हैं। और यहाँ पे वो साथ में अंदर वो है मेरे ख्याल हॉल है, और वो ये दिख रही मेरे पीछे वो शिवलिंग बड़ी सी, जो पीछे हम देखते हैं ना बड़ी वाली शिवलिंग, वो ये रही। तो बाहर से मैंने जब देखा था तो शिवलिंग थी। और ये है कंकर शंकर, और ये है सारा का एरिया। पहले जिस काम के लिए आया हूँ पहले वो करेंगे, उसके बाद आगे का देखते हैं। श्री शिवाय नमस्ते ध्यम।
दिखाते हैं आपको आज सीहोर वाले कुंभकेश्वर महाराज के दर्शन। तो यहाँ से स्टार्टिंग है, अभी मैं जा रहा हूँ रुद्राक्ष लेने, और ये है रुद्राक्ष की लाइनें जहाँ पे मिलते हैं रुद्राक्ष। चलिए चलते हैं और लेते हैं रुद्राक्ष। पहले सबसे पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अभी तक यहाँ तक तो खाली दिख रहा है, आगे देखता हूँ कितना है पैक कितना नहीं है, और फिर पहले लेंगे रुद्राक्ष और फिर घुमाऊंगा मैं आपको पूरा ये सीहोर के कुंभकेश्वर महाराज के दर्शन। तो ये जो ब्लॉग मैं ये शूट कर रहा हूँ, ये एक्चुअली शूट पहले कर रहा हूँ बट ये आएगा बाद में। वो क्यों आएगा उसका मैं रीज़न आपको मैं अगले किसी ब्लॉग में बता दूंगा। फिलहाल अभी चलते हैं और अंदर अंदर देखते हैं कैसे कैसे हिसाब किताब है। श्री शिवाय नमस्ते हम। और भाई मैं यहाँ पे देख लेता हूँ अंदर कितना भीड़ है, आपको दिखाता हूँ फिर। और यहाँ पे लोग जो बाहर से आए वो रेस्ट वेस्ट कर रहे हैं बैठ के आराम से अपना शेड के नीचे। यहाँ पे लगा लेते हैं हम अपना निशान और फिर मिलेगा रुद्राक्ष। तो ये मिल गया अपने को रुद्राक्ष, वो खाली पड़ा हुआ था, देख रहे क्या किस्मत है। हा हा हा, यो शिवाय नमस्ते देव, हम मिल गया रुद्राक्ष, हर हर महादेव। और ये इस तरीके का निशान लगा देते हैं ताकि बंदा दोबारा ना ले। चलो पहले इसको रख लेता हूँ। चल रहा है कुंभकेश्वर महाराज का भंडारा, वहाँ से लेते हैं प्लेटें, वो जो दिख रहा है आपको पंखा उसके पीछे की साइड से, और सामने है साफ करने का सिस्टम। और यहाँ पे मिल रहा है भोजन, कर लेते हैं भोजन। भोजन में है कढ़ी या सब्जी है और फुलका है, जितना खाना चाहो खा सकते हैं। जय भोलेनाथ। चलो जी भोले बाबा के नाम का भंडारा भी खा लें। तो इस टाइम आ चुका हूँ हॉल के अंदर, और ये सारा हॉल है, पीछे से भंडारा मिल रहा है। और ये है खाना खाएंगे, उसके बाद दर्शन करेंगे और फिर रुद्राक्ष लेंगे। नहाना धोना मैंने कर लिया, जस्ट अभी आया था नहाना धोना किया। और रुद्राक्ष की ज़्यादा लाइन नहीं है, मैं आपको दिखा दूंगा एक बार खाली पेट होगा काउंटर। तो नहाना धोना किया फटाफट से, और नहाने का कहाँ है वो भी आपको मैं दिखा दूंगा। लेडीज़ का अलग है, जेंट्स का अलग है, सबके लिए। और खाना खा लेते हैं फिर आगे आगे दिखाता हूँ आपको कैसे रहेगा। और इस स्थान से ही स्टार्ट किया था प्रदीप मिश्रा जी ने, और ये सब ऐसे यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर मत्था टेक लेते हैं। और भारत या वो कंकर शंकर भी दिखाता हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज मैं आ चुका हूँ सीहोर। सीहोर क्यों आया हूँ, सीहोर में आया हूँ कुंभकेश्वर महाराज के दर्शन करने, कुंभकेश्वर महाराज के दर्शन करने, और साथ ही लेने आया हूँ रुद्राक्ष। तो रही बात रुद्राक्ष की, तो रुद्राक्ष तो यहाँ पे एक ही दिया जाता है एक पर्सन को। अब मैं आपके भाई पूरी डिटेल बता देता हूँ उस मंदिर की। यहाँ से जो आप देख रहे हैं सामने जेसीबी खड़ी है, यहाँ से एंट्रेंस है, ये सामने बड़ी सी शिवलिंग दिख रही होगी आपको। ये सामने है जो है व्यासपीठ है, जहाँ पे वो प्रदीप मिश्रा जी कभी कभार आके अब पाठ करते हैं। वो सामने ऊपर धर्मशाला वगैरह हैं, वो जो है जो यहाँ के लोग हैं उनकी व्यवस्था के लिए रहने के लिए है। और वहाँ जो आप जो देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, इसके अंदर जाके भोजनालय है, आप वहाँ पे मुफ्त में अपना खाना पीना खा सकते हैं, जैसे कि मैंने भी खाया है, वो आपको मैं दिखा दूंगा। और ये ऊपर लगी हुई है पर विष्णु भगवान जी की मूर्ति, और साथ में लिखा गया है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यहाँ पे है रेस्ट करने के लिए। और ये जो जाली देख रहे हैं ना, यहाँ से मिलते हैं रुद्राक्ष, बट इसकी लाइन जो है वो पीछे से घूम के है, वो वाइट दीवार देख रहे हैं उसके पीछे से हो के आके आते हैं, वहाँ से आपको आना होता है लाइन में लग के। फिलहाल बात आज ये रही कि आज हल्का रहा, जब मैंने रुद्राक्ष लिया तो भीड़ नहीं थी, मैंने रुद्राक्ष ले लिया है वो मैं आपको भी आगे दिखा दूंगा। आप देखिए यहाँ पे भी रुद्राक्ष मिल रहा है। और जो फिर ये एक नीला से स्याही का निशान लगा देते हैं, जैसे कि वोटिंग मशीन में लगाया जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ये है गौशाला मुरली मनोहर। तो आप में से अगर कोई आना चाहे सीहोर और दर्शन करना चाहता है ये कुंभकेश्वर महाराज जी के और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के यहाँ पे दर्शन करने आना चाहता है, तो वो ईज़िली आ सकता है। अपना जो उज्जैन की ट्रेनें जो आती हैं वो लगभग जो है सीहोर के स्टेशन में रुकती है। अगर आपको नहीं लग रहा है कि सीहोर के स्टेशन में नहीं रुक रही है तो आप एक बारी चेक कर सकते हैं आने से पहले। और सीहोर से आपको ईज़िली यहाँ पे ऑटो वगैरह मिल जाते हैं, जो कि 50-40-30 रुपए लेते हैं, पर पहले वो 50 रुपए लेते थे, पर जब ऑटो वाले से हमने पूरा बात करी तो वो कहने लगा कि पंडित जी ने बोल दिया है कि जितने भी श्रद्धालु आएंगे उनसे सिर्फ 30 रुपए लेने हैं।
और रही बात स्टेशन से इस मंदिर की दूरी, तो वो है 13 किलोमीटर। तो 13 किलोमीटर में 30 रुपये कोई भी किराया बुरा नहीं है। तो एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ गौशाला क्या है। और यहाँ पे है गौशाला, यहाँ पे आप गौशाला में भी सेवा कर सकते हैं। और ये देखिए, अब रही बात नहाने की, तो नहाने का भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ वो कहाँ नहाने का। ये देखो जैसे लोग नहाते नहाते सब अपने कपड़े वगैरह सुखा देते हैं, तो ये जो सामने बिल्डिंग दिख रही है ना जो, ये है, इसके अंदर ही नहाने धोने का भी है। लेडीज़ का अलग है, जेंट्स का अलग है। नलके लगे हुए हैं, उसके नीचे आप अपना बैठ के आराम से नहा सकते हैं। और वॉशरूम वगैरह भी है, अभी उतना बना नहीं है, धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए वो है। आगे लेडीज़ का भी है, या आप देख रहे हैं लेडीज़ निकल रही हैं और साथ में वो जेंट्स निकल रहे हैं, तो वहाँ पे जेंट्स का है और साथ में ही लेडीज़ का है। ज़्यादा आगे मैं दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि नहाने धोने का तो अच्छा नहीं लगता, वहाँ पे लेडीज़ वगैरह भी हैं। श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों। तो ठीक है गाइस, अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करने जा रहा हूँ। अगर ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल में अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है। ये मेरे पीछे दिख रहे लिखा हुआ श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों, तो श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों। और आप में से भी अगर कोई इसी ओर आना चाहता है, कुंभकेश्वर महाराज के रुद्राक्ष लेना चाहता है, मैं आपको रुद्राक्ष दिखा देता हूँ। तो ये मिला है मुझे रुद्राक्ष श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों। तो चलिए फिर चलते हैं बाहर की तरफ और चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन में। एक्चुअली ये ब्लॉग बीच में लास्ट में आना है, बट मैं इसको शूट पहले कर रहा हूँ, तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ अपनी दूसरी मंजिल की तरफ। तो ठीक है गाइस, बाय बाय एंड हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्ते दम। काला आ रहा हूँ क्योंकि बहुत तेज धूप हो रही है यार। ठीक है, बाय बाय।